सर में क्या हुआ, बंद कर दे। पंजाब में तो वो घबराए हुए, बात नहीं करना चाहती थी अमृतसर की। पंजाब में वो घबराए हुए, नहीं पंजाब में मृदुल रुकिए, मैं अमृतसर की बात परविंदर जी नहीं करना चाहती थी आज। आप शिक्षा मॉडल की बात कह रहे हैं, वहाँ पुलिस पुलिस किसके सामने झुक गई, खालिस्तानी के सामने झुक गई पुलिस, झुक गई ना पुलिस। शिक्षा मॉडल, ये पुलिस का मॉडल हो गया ना, फिर आप पुलिस का मॉडल हो गया। पुलिस नहीं झुकी, कोई भी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बताइए ना। मैं आपसे क्या हुआ तो अगर एक एक करके बोलिए, प्लीज सुनिए, डिस्कशन चल रहा है, एक एक करके बोलिए, एक एक मिनट का समय लीजिए, इसके बाद खुरा नहीं। संजय मिश्रा, फिर परविंदर जी, संजय जी कंप्लीट करिए, 30 सेकंड में फिर खुराना जी। पुलिस झुकी ना सरकार, ये किसी ग्रंथ को लेकर, आज मेरे पास गीता को लेकर के यदि उसके साथ कोई मेरे को ब्लैकमेल करने लगे तो मैं तो पहले 4 कदम पीछे होऊंगा कि भाई तू ही बड़ा और फिर एक्शन लूंगा। डीजीपी का बयान आया, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर ये कोई बात नहीं हुई ना, बिल्कुल जायज है ना, यदि वो वहां गोली चल जाए तो आप वही उल्टी राजनीति करते। सुनिए मृदुल जी, होता सुनिए, जवाब ले लेते हैं, आपने बहुत सारे सवाल पूछे पुराना जी, उन्होंने कहा है, अनामिका का भी सवाल था, संजय जी ने एक बात बोली कि हम घबरा गए हैं। मूल प्रश्न तो यही था ना इन लोगों का, जिस व्यक्ति के, जिस पार्टी के एक भी लोकसभा के अंदर सांसद ना हो, गुजरात में यही डायलॉग मारा था जब, याद करिए उस नायर को गिरफ्तार हुआ था, बीजेपी घबरा गई है गुजरात से, लिख के देता हूँ हमारी इतनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें आई, 5 तो आ गई ना, वो लिखने वाला गलत हो गया। आपने एक साल तक मिनट बोला, हिमानी ने भी यही बोला, एक एक मिनट, नहीं सुनिए, मेरी मजबूरी है, कोई कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। सेठी जी, सेठी जी गलत बात है, मैं एक मिनट मोबाइल में देख लेता हूँ, कंप्लीट कर लें पहले। खुदाना जी आपके पास बोला, नहीं आपको आपको सबको मिलेंगे, फिर उनका रिएक्शन लेंगे, फिर कोई उनके बीच में नहीं बोलेगा। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आप पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब के अंदर एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, एसएसपी ने उसका बोला कि हमें एविडेंस दिए गए हैं, मैं सेटिस्फाई हूं, उसको छोड़ रहा हूं। पहली बात सुन लीजिए, जब हजारों, मेरे को बात पूरी करने दीजिए ना, आपने मुझे समय दिया ना, गिरफ्तार किया तो भी सवाल, बात ही नहीं पूरी करने देंगे तो मतलब क्या निकलेगा। जब हजारों लोग सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, उसको बड़ा इंटेलिजेंटली डील किया जाता है, जैसे शाहीनबाग में किया गया, जैसे हरियाणा के अंदर जब राम रहीम की गिरफ्तारी होती है हजारों लोग आ जाते हैं, तब आपने क्या करा, जब यहाँ पे 10 लाख किसान आ गए तब आपने क्या करा, क्या आप गोलियां चलाएंगे भीड़ को टैकल करने के लिए? जब एसएसपी ने एक एसआईटी का गठन कर दिया, उसकी जांच होगी, उस पे इतना बवाल किस लिए? पंजाब पुलिस गलत नहीं है, गलत काम नहीं किया पंजाब पुलिस ने, गिरफ्तार किया तो भी गलत है, चल रहा है नहीं, आप गिरफ्तार किया तो भी गलत किया, एफआईआर कैंसिल की, दबाव में आकर तो भी गलत किया, हजारों लोगों को, दोनों चीजें गलत हो गई ना। फिर एक सेकंड, अच्छा आप ये बताइए, आप सरकार, एक सवाल पूछूंगा, आप प्रितपाल सिंह के पक्ष में या विरोध में हो, बोलिए हां या ना, बताइए प्रितपाल सिंह के पक्ष में हो या ना, प्रितपाल सिंह के पक्ष में हो या ना, आप जवाब दीजिए मेरे बंदो, अच्छा सुनिए, हो चुके हो, अरे क्या हो चुका है। अब एक मिनट सेठी जी, सेठी जी अगर आप देख लीजिए, सेठी जी, सेठी जी देखिए, सेठी जी आप सुनिए, सेठी जी आपका एक मिनट आपके सामने खड़ी है, मैंने नहीं टोका, आपको नहीं टोका, आप हार लेकिन खुराना जी बात सही है, अगर ये थ्रेट है, और ना सिर्फ बल्कि हम वहां देखे पंजाब में, बल्कि गृह मंत्री तक को ये थ्रेट है, गिरफ्तार क्यों कर रही है, तो सर सरकार आपकी सरकार को पता नहीं कर रही है, आप बताइए, सर बॉर्डर स्टेट है,
सर बॉर्डर स्टेट है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं कोई डिबेट नहीं हुई है, सुनिए सुनिए, अच्छा सुनिए, पॉलिटिक्स तो पंजाब से लेकर, एक मिनट, पंजाब से लेकर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पंजाब, एक अरे सर एक ठीक है, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, रुकेंगे एक ब्रेक।